Hi guys, welcome back to my channel and I am going to talk about the most concerning topic to me and I want you guys to answer on my behalf. Like मुझे तो ऐसा लगता है कि सांस तो आती ही नहीं है मुझे मास्क पहनते टाइम क्या आपके साथ भी ऐसा होता है एंड सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप वॉक करते करते कहीं जा रहे हैं एंड पूरा मास्क आपका स्वेट 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 की वजह से क्या होता है एक तो डर्ट गंदगी सब कुछ ऐसे आपके फेस पे ही चिपकी रह जाती है एंड द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट फॉर मी इज सांस कहाँ से लूँ एनी क्या कर सकते हैं वरना चलान कट जाएगा फिलहाल तो मैं आपसे अपनी जो मेन कंसर्न जो है उस पर आती हूँ डर्ट क्या करूँ मैं इसका लाइक like, मैं सुबह गई फ्रूट्स लेने के लिए एंड वहाँ से आने तक में ही पूरे मास ऐसा लग रहा था हाफ ड्रेंच हो चुका है स्वेट में आई डोंट नो

जिन लोगों को अपने स्किन टाइप्स नहीं पता है या जिनको पता है उनके लिए भी आप थोड़ा सा देख लो मैं क्या बता रही हूँ सो जनरली क्या होता है कि हमारे डिफरेंट हर एक पर्सन की डिफरेंट एक स्किन टाइप होती है जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है नाउ वाई टॉकिंग अबाउट ड्राई स्किन इसका मतलब ये कि जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ थोड़े टाइम बाद मेरा जो स्किन है ना लाइक ये जो फेस वाला एरिया है ये दोनों तरफ से चीक्स ऐसे लगते हैं एक इधर जा रहा है एक इधर कोई खींच रहा है इतने ज़्यादा एकदम टाइट से फील होते हैं एकदम ड्राईनेस हो जाती है एंड खींचे खींचे लगते हैं सो दिस इज द ड्राई स्किन टाइप वालों की पहचान अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसे पहचानूं कि मेरी कौन सी स्किन टाइप है आपको मैं बताती हूँ क्या करना है जब भी आप फेस वॉश करो आप आधे घंटे तक ऐसे छोड़ दो कि आप कुछ भी मत लगाओ आधे घंटे मिनिमम आधे घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव लग रहा है अपने स्किन पे दैट मीन्स आर ड्राई स्किन अगर आपके जो टी जोन है वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल हो रहा है चीक्स एरिया पे बहुत ज्यादा ऑयल हो रहा है दैट आपकी ऑयली स्किन टाइप है एंड जो थर्ड टाइप का वो है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों का जो टी जोन है ना वो ऑयली होता है एंड जो चीक्स वाला एरिया वो ड्राई होता है दैट मीन्स यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑयली एंड ड्राई स्किन सो ये तो हो गई आपके स्किन टाइप्स की बात अब मैं आती हूँ फेस वॉशेज के ऊपर फेस वॉश मार्केट में आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के मिलते हैं आप हमेशा एक दूसरे को देख के या अपने फ्रेंड्स को देख के ये कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार इसके पास ये वाला है मैं भी यूज़ करके देखूँ क्या मेरी स्किन टाइप पे सूट करेगी क्या जरूरी नहीं है आपकी स्किन टाइप एंड उनकी स्किन टाइप सेम है सो वाइल चूजिंग योर फेस वॉश यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड हमेशा आप ये देखो कि आपका पर्पस क्या है सो so, अगर आपकी प्रोन स्किन है और आपके बहुत ज्यादा एक्नेस एंड पिंपल्स हो रहे हैं सो so, आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप जो भी फेस वॉश उठाएं वो एंटी से एंड हो एंड उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सो फॉर दोस्ट हु हैव एक्ने प्रोन स्किन उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्योरीफाइंग फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं दिस इज ऑफ वन ट्वेंटी एंड इसकी प्राइस जो है वो अगर आप डिफरेंट यू you नो know, वेबसाइट से अगर आप परचेज करते हो तो ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएट करती रहती है मैंने ये सारी चीजें गुड वाइब्स के ये पूरे एंटायर रेंज को मैंने पर्पल डॉट कॉम से परचेज किया था एंड वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चलते रहते हैं करंट जो डिस्काउंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी गो एंड चेक आउट द करंट डिस्काउंट सो गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट रेंजेस हैं दे आर फ्री फ्रॉम पैराबिन क्रुएल्टी फ्री एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी मिनरल ऑयल ऑल्सो नेक्स्ट अगर आपका पर्पस इम्प्योरिटीज डर्ट को रिमूव करना है तो यू कैन सर्टेनली ट्राई द चारकोल फेस वॉश ऑफ गुड वाइब्स एंड दिस इज द एक्टिवेटेड चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल की प्रॉपर्टी ये होती है कि डीप इनसाइड आपके स्किन में जाके आपके जो भी डर्ट है इम्प्योरिटीज़ है एंड ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करता है सो दिस इज द गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल ये एक ऑलरेडी मेरे पास है अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसको आप मैं तो यही कहूंगी कि so, जिस दिन आपको ऐसा लगता है ना दैट टुडे इज द डे जहाँ पे मुझे डीप क्लिनजिंग की जरूरत है यू शुड सर्टेनली गो फॉर दिस टाइप ऑफ फेस वॉशिज जहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का फॉर्मुलेशन होता है सो दिस इज द एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनजिंग फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स एंड अगेन दिस इज ऑफ वन ट्वेंटी मेरे पास ऑलरेडी इसका एक बड़ा वाला भी यू uh, नो you know, बॉटल है जो कि मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है ना इसको मैं दो से तीन दिन हफ्ते में यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करती बिकॉज मुझे मैं उतने ज़्यादा भी बाहर नहीं जाती उतना डर्ट से भी मेरा यू नो कॉन्टैक्ट नहीं होता तो आई डोंट यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स अ वीक आई जस्ट गो फॉर दिस एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश बिकॉज जैसे मैंने बताया ना एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट हो जाता है स्वेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट सो so, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ब्राइटनिंग फेस वॉश आपको चाहिए तो यू कैन सर्टेनली गो फॉर दीज रेंजेस जहाँ पे आपको दिस इज द ऑरेंज ब्लॉसम एंड दिस वन इज द प्पाया बोथ ऑफ देम आर ब्राइटनिंग बात करूंगी ऑरेंज ब्लॉसम की तो ऑरेंज ब्लॉसम इट एक्ट एज ए जेंटल क्लीजर एंड इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से इट रिड्यूसेज द रिंकल द फाइन लाइन एंड इट गिव दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट टू योर स्किन ऑरेंज हैजटामिन सी एंड बिकॉज ऑफ दैट property it helps in reduction of those fine lines and wrinkles and it helps in brightening so the next face wash is the papaya brightening face wash so this papaya face wash it is loaded with vitamin a c k and e and it helps in ब्राइटनिंग अप योर स्किन ऑब्वियसली वाइटामिन सी है जिसकी वजह से इसमें बहुत से प्रॉपर्टीज है जो आपकी पिगमेंटेशन वगैरह है उसको कम करती है रिड्यूस करती है सो इट हेल्प्स इन क्लीनिंग अप योर इम्प्योरिटीज सो दिस वॉज द एंटायर रेंज ऑफ गुड वाइफ्स विच आई थॉट टू शेयर विथ यू सो इन दिस वीडियो आई वॉन्टेड यू गाइज टू फर्स्ट नो कि आपकी स्किन टाइप क्या है वॉट इज योर रिक्वायरमेंट एंड देन गो फॉर एनी पर्टिकुलर फेस वॉश तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज